देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। क्या उद्देश्य से बैठे हैं आप लोग? उद्देश्य हमारा ये है कि हमारा नाम अंगद ठाकुर, नागरिक संघर्ष समिति का अध्यक्ष और तमाम हमारे नागरिक संघर्ष समिति सदस्य, हमारे सर्वोदय समाज के अशोक कुमार जी, सर्वोदय समाज के मुस्कान फेडरेशन दीपक पुदार जी मजिया प्रभारी, हमारे सर्वोदय समाज के हमारे रंजीत विश्वास जी और हमारे नागरिक संघर्ष समिति के हमारे सदस्य, हमारे मीडिया प्रभारी करंग मानस जी, हमारे मजदूर किसान नेता हारून रशीद जी, हमारे इंद्रजीत भैया जी, हमारे जयप्रकाश जी यादव जी, और हम कई वर्षों से लगातार हम लोग काज करते आ रहे हैं कि रेल सेवा के लिए टिकट कटाते हैं पैसेंजर से कि हाथ जोड़ के कि भाई आप लोग टिकट लेकर चलिए, यात्रा कीजिए। हम लोग गर्मी के मौसम में पानी का भी व्यवस्था करते हैं, पेयजल का उनका भी पानी पिलाते हैं, जनता की सेवा करते हैं। और हमारा ये कहना है कि जल्द से जल्द मनिहारी से कटिहार तक कल्याणपुर से लेकर के रेल सेवा चालू किया जाए और पूर्व में जो टिकट 10 रुपया था उनको भी बहाल किया जाए ताकि जनता को सुविधा मिल सके। हमारा यही कहना है। और डीआरएम से डीएम साहब से कई बार हम लोग आवेदन दिया गया है और हाल फिलहाल अभी हमारे माघी पूर्णिमा का लाखों की संख्या में लोग यात्री सब आते हैं स्नान करने के लिए, उनको भारी कष्ट होना पड़ता है ताकि टेम्पो में लोग आना जाना करेंगे, कहाँ क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम एक दिन का उपवास में हम लोग रेलवे परिषद कटिहार में एक दिन का उपवास में हम लोग बैठे हुए हैं और शाम को जो है दीप जलाया जाएगा। वह सब के सब बंद है, सिर्फ एक ट्रेन के नाम पर जानकी एक्सप्रेस चल रही है जिसका भाड़ा 70 रुपया एक तरफ जाने का है और आने का 70 रुपया है। तो कहने का था कि जो गरीब गुरबा के लिए पहले जो 10 रुपया का ट्रेन टिकट था, जो भी पैसेंजर ट्रेन चल रही सब के सब बंद कर दिया गया, मजबूरन जो उसको टेम्पो में चलना पड़ रहा है। और आए दिन खबरों से ज्ञात होते रहता है कि 4 टेम्पो पलट गया, 3 पलट, मान कितने लोगों का जान भी चला गया, कितने हॉस्पिटल में पड़े हुए। यह असुविधा देख करके जो है नागरिक संघर्ष समिति ने भी उठाया कि अब ट्रेन को चालू करवाने के लिए हमें आवाज़ उठाना होगा। तो हमने पूर्व में जो है 5 फरवरी को जो है मनिहारी स्टेशन परिसर में एक दिवसीय धरना दिया गया था। उसके बाद उसी समय हम लोग घोषणा कर दिए थे कि अगर सरकारें नहीं चुनती है, जल प्रशासन नहीं सुनती है, तो फिर हम लोग जो है कटिहार डीआरएम बिल्डिंग के परिसर में हम लोग जो है एक दिन के उपवास पर बैठेंगे ताकि सरकार का ध्यान और रेलवे प्रशासन का ध्यान खींचा जाए। और आज हम लोग रेलवे प्रशासन के द्वारा, हम लोग मुख्य गेट पर बैठने वाले थे लेकिन आज हमें प्रशासन के द्वारा जो कहा गया, नहीं आप लोग को जो स्थान दिया गया है रेलवे इंस्टीट्यूट के प्रांगण में आप लोग बैठे, तो हम लोग क्यों जो काम होता है सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपनी आवाज़ को, पैगाम को पहुंचाना रेलवे प्रशासन हो सरकार को, इसलिए हम लोग आज रेलवे इंस्टीट्यूट के प्रांगण में बैठे हुए हैं। आगे का क्या कार्यक्रम है? आगे का जो कार्यक्रम, हमारे अध्यक्ष महोदय ने ये घोषणा की है कि अगर सरकारें नहीं, रेल प्रशासन नहीं सुनती है तो हम आगे जो बीरा उठाएंगे अनिश्चित काल के लिए उपवास पर हम लोग बैठेंगे। जय हिंद जय भारत। परिचय, मैं अशोक कुमार, संस्थापक अध्यक्ष सर्वोदय समाज जी। आज आप किस उद्देश्य से रेलवे परिसर में बैठे हुए हैं? आज हम लोग इस उद्देश्य से बैठे हैं कि 22 मार्च 2020 से जो अब तक ट्रेन बंद है, जो कि आवागमन में आने जाने में लोगों को कठिनाई हो रही है, विद्यार्थी हो, छात्र हो, छात्राओं हो, वकील हो, कोर्ट कचहरी आने जाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में जो कठिनाई हो रही है, रेल कर्मचारी हो या सेना को जो एक दूसरे जगह पर जाने का होता है तो बहुत कठिनाई हो रही है आने जाने में। इस उद्देश्य से हम लोग आज रेलवे डीआरएम बिल्डिंग के प्रांगण में बैठे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम जयप्रकाश यादव, नागरिक संघर्ष के कोषाध्यक्ष। हाँ बताइए, क्या उद्देश्य है आप लोग का इस कार्यक्रम का? लगातार 11 माह से ट्रेन परिचालन मनिहारी से बंद है, मनिहारी आवागमन बंद है। कटिहार से तेज नारायणपुर ट्रेन का परिचालन हम जीएम डीआरएम सर से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कटिहार से तेज नारायणपुर ट्रेन परिचालन जो पूर्वोत्तर चलती थी उसी प्रकार चले। और यहाँ जो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, छात्र हैं,
नौजवान हैं उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मनिहारी बहुत पिछड़ा इलाका है, लोगों के पास जो है आय का इनकम का स्रोत बहुत कम है। जो भी हैं लोग वो कटिहार से ही अपना व्यापार शुरू करते हैं, दूध व्यापारी जो है उनका आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए जो है सब्जी विक्रेता हैं उनको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और आज हम लोग जो है कटिहार डीआरएम बिल्डिंग के परिसर में जो है एक दिवसीय धरना का आयोजन हुआ। आज किस उद्देश्य से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? आज हम लोग नागरिक संघर्ष समिति मनिहारी के बैनर तले तेजनायनपुर से कटिहार, कटिहार से तेजनायनपुर जो पैसेंजर ट्रेनें चलती थी पूर्व में, जो उनका किराया था, पुनः उनको चालू करने के मांग को लेकर के जो है इससे पूर्व में भी 5 फरवरी को हम लोग मनिहारी स्टेशन पर धरना दिए थे। उसके बाद एक मांग पत्र माननीय डियाराम महोदय को सौंपे थे और 16 तारीख को आज जो है एक दिवसीय उपवास हम लोग कर रहे हैं और संध्याकालीन बेला में हम लोग जो दीप प्रज्वलित डियाराम ऑफिस के प्रांगण में करेंगे। आपका परिचय? मैं रंजीत कुमार विश्वास, सचिव सर्वोदय समाज कटिहार।